अस्सलामुअलैकुम। ये है जी यूरो का चार्ट। यूरो इस वक्त तकरीबन 1270 के आसपास चल रहा है। अगर हम कल की बात करें तो कल भी यूरो सेम उसी एरिया से रिजेक्ट हुआ है जहां से मंडे को रिजेक्ट हुआ था। तो अगर आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास बन रहा है, तो आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी यूरो में वो हम देख लेते हैं। आज जो रेजिस्टेंस रहेगी यूरो में वो रहेगी हमारी 13.05 की। अगर यूरो 13.05 ब्रेक करता है तो आप कह सकते हैं कि 13.10, 13.25, 13.40 और 13.60 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर आज जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 12.30 की। अगर यूरो 12.30 ब्रेक करता है तो दोबारा से 12.10, 1200 और अपने एयरली लो 11.86 की तरफ जा सकता है। फिलहाल जो यूरो का ट्रेंड है वो फ्लैट टू वीक चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। ये है जी पाउंड। इसने कल हमारी रेजिस्टेंस के आसपास की हाई बनाए और उसके बाद फिलहाल 3250 के आसपास चल रहा है। तो पाउंड में आज हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारी रहेगी पाउंड में अब 3275 की। अगर पाउंड 3275 ब्रेक करता है तो आप कह सकते हैं कि वो 3310 और इवन 3340 और 3360 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी आज राउंड फिगर 3200 की। अगर दोबारा से 3200 राउंड फिगर ब्रेक करता है तो अपने इन लो 3185, 3170 और 3160 तक जा सकता है। फिलहाल जो पाउंड का ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से वो पॉजिटिव जोन में चल रहा है। ये है जी यूएसडी जेपीवाई। 114.14 के आसपास चल रहा है। ये कल भी हमारा पॉजिटिव जोन में था और आज भी ये पॉजिटिव जोन में ही फिलहाल चल रहा है। तो इसमें हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं जी। यूजे में जो आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 114.40 की। अगर 114.40 ब्रेक करता है तो 114.50, 114.70 और 115 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर यूजे में जो आज हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 113.80 की। अगर ये इस एरिए को ब्रेक करता है तो दोबारा से 113.50, 113.30 और 113 तक जा सकता है। फिलहाल जूझे का जो ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से वो पॉजिटिव ही चल रहा है। यह है जी सिल्वर का चार्ट। 22.53 के आसपास चल रही है। कल इसने तकरीबन 22.80 के आसपास के हाई बनाए हैं। तो इसका थोड़ा सा जो ट्रेंड है आज आप कह सकते हैं कि गोल्ड से मुख्तलिफ है, क्योंकि गोल्ड तो वीक जोन में है, नेगेटिव है, लेकिन ये हमें फिलहाल पॉजिटिव जोन में नज़र आ रही है। तो रेजिस्टेंस इसमें हमारी रहेगी 22.80 से 85 का जो एरिया है ये हमारा आज का रेजिस्टेंस एरिया है। इसको अगर ब्रेक करेगी सिल्वर तो आप कह सकते हैं कि $23 और 23.50 की तरफ जा सकती है। दूसरी तरफ आज जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 22.20 की। अगर सिल्वर दोबारा से 22.20 ब्रेक करती है तो सिल्वर $22, 21.70 और 21.40 अपने एयरली लोस तक जा सकती है। फिलहाल जो सिल्वर है वो पॉजिटिव ही चल रही है। यह है जी यूएस ऑयल। 71.20 के आसपास चल रहा है। 71.80 के आसपास के ऑलरेडी हाई बना चुका है। तो इसमें आज क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज यूएस की हैं, तो इसमें अगर आप ट्रेड करते हैं तो उस डाटा का भी आपने ख्याल रखना है। तो इसमें जो हमारी आज रेजिस्टेंस रहेगी क्रूड ऑयल में वो रहेगी $72.80 की। इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि 73.20, 73.50 और $74 की तरफ जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी आज वो रहेगी $69.80 की। अगर दोबारा से $69.80 ब्रेक करता है तो आप कह सकते हैं कि 68.50 और दोबारा से इन लोज जो हैं वो $66 की तरफ भी जा सकता है। फिलहाल जो क्रूड ऑयल है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव जोन में ही चल रहा है। शॉर्ट वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।